स्वागत है दोस्तों नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं कि नया व्लॉग हम राइडिंग करने वाले हैं जो कि हमारा दिल्ली शाहदरा में ही है। तो देखते हैं कैसी राइडिंग होगी आज। थोड़ी सी फास्ट होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, छोटी सी वीडियो है तो पूरी देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने अपनी राइड शुरू कर दी है और ये हम अभी शाहदरा में हैं जो कि उसके पास है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है जो कि नई बनी हुई है। तो उसके पास में हम यहाँ से राइडिंग देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे काफ़ी आलीशान ये बना रखी है और काफ़ी अच्छे एरिया में को है और नए नए एडमिशन यहाँ पर हो रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी भी नई बनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी हम जाने वाले हैं अपनी जॉब पर जाने वाले हैं जो कि हमारा इंडस्ट्री एरिया में पड़ता है सारा, और उसको बोलते हैं पटपटगंज इंडस्ट्री एरिया बोलते हैं उसको पहले। वहाँ पे सारी कंपनीज़ या फैक्ट्री वगैरह या कह लो कि हमारे ऑफिस वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर, तो इसलिए वहीं पर जाना पड़ता है। उधर साइड में यही है, उधर बस्ती नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री बनी हुई है सारी, तो इसलिए इंडस्ट्री एरिया उसको बोल देते हैं। और ये देख सकते हैं ये वो वाला एरिया जो कि करकडूमा को जाता है आस्था। इसके पीछे भी जो चौराया गया था वहाँ पर मंदिर टूटा था, एक मंदिर था बहुत ही अच्छा और वो मतलब गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो इसलिए वो तोड़ा गया मंदिर। वैसे तो जगह जगह आजकल मस्जिद भी तोड़ी जा रही है क्योंकि अवैध जगह पर वे बनी हुई हैं, तो इसलिए। और ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मेट्रो मॉल पड़ता है और इधर CVD ग्राउंड पड़ता है जहाँ की बहुत बड़ी रामलीला होती है। और ये लेफ्ट साइड में जो सीधा रास्ता जा रहा है वो करकडूमा कोर्ट के अंदर जाता है और ये लेफ्ट साइड में हेडगवर हॉस्पिटल पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है दिल्ली शाहदरा का, और इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग संख्या में आते हैं। ये बस्ती बनी हुई है लेकिन यहाँ पर सफाई बहुत कम रहती है। भाई मरवा आएगा क्या, ये ऐसे ही मोड़ देते हैं ये ऑटो रिक्शा वाले। तो अभी दिखाते हैं ये वाला भी, हम आगे वो हेडगवर हॉस्पिटल है जो कि हम इसमें आते जाते रहते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ती रहती है हमें इसमें। ये सरकारी हॉस्पिटल है इसलिए यहाँ पर कोई भी आ जाता है लाइन लगती है और अच्छे से यहाँ पर मेडिसिन मिल जाती हैं किसी भी चीज़ की। और आप ये भी यदि सादरे वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताना कि कौन सी बस्ती से है या फिर कौन सी जगह से, कौन सी कॉलोनी से है। तो इधर साइड में देख सकते हैं ये बैक साइड का उसका गेट है करकडूमा कोर्ट का, इधर मिलिट्री खड़ी रहती है और ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की बैरिगेटिंग भी इधर हो रही है। और अभी आ चुका है जगतपुरी का इलाका जो कि हम राइट साइड में जाने वाले हैं और लेफ्ट साइड में करकडूमा मेट्रो स्टेशन के इधर जाता रास्ता और ये जा रहा है जगतपुरी के इधर को, तो हम इसी से ही जाने वाले हैं। ये देख सकते हैं गाड़ी वाले इतनी तेज़ लाते हैं, रेड लाइट होने के बावजूद भी ये भगे चले जाते हैं। इन्हें कोई ख़तरा नहीं रहता कि बाइक वाले के साथ क्या हो सकता है, ये तो गाड़ी में सेफ बैठे हैं इसलिए अंधासुन चलाते हैं। तो अब चलते हैं अपनी राइडिंग की तरफ को, थोड़ी फास्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, हम ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी राइड करनी पड़ेगी अब। तो देखो जल्दी से वीडियो अब। दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं जिसको मदर डेरी हसनपुर डिपो भी बोल देते हैं और ये उसी की रेड लाइट है। अब हमारा इंडस्ट्री एरिया शुरू होने वाला है तो ये देख सकते हैं ये लास्ट वाली रेड लाइट आने वाली है। ये मेट्रो स्टेशन भी पड़ता है यहाँ पर, बस स्टैंड पड़ता है बस स्टैंड, और एक रेड लाइट ये वाली है। तो यहाँ भीड़ ज़्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद थी तो वो तोड़ी गई थी तो उसका मलबा भी पड़ा हुआ है। MCD वाले उसे जल्दी ही उठा लेंगे और फिर यहाँ पर मतलब इतना जाम नहीं लगने वाला। तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ को बाइक निकालनी पड़ती है, कभी कभी करना पड़ता है या रोज़ नहीं करना पड़ता। और ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर जा रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया शुरू हो चुका है, ये सारे फैक्ट्री कंपनी में काम करने वाले वाले लोग हैं। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट वाला हमारा बिरयानी वाला मिलेगा, हम बिरयानी यहीं पर खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, किसी दिन वीडियो दिखाएंगे इसकी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।